हेलो स्टूडेंट्स, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो क्या बोला है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज। क्या है यहाँ पे, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, मतलब कि आपको यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो किया था ना, सेम रहेगा हमारे पास में, थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा। मतलब थोड़ा सा चेंज मतलब ये रहेगा कि सिर्फ नंबर्स चेंज रहेगा, सम मतलब कि हमको प्लस भी लेना है माइनस भी लेना है, डिफरेंस में क्या आएगा, सारे सिंबल माइनस के ही आएंगे, है ना। सम में क्या रहेगा, प्लस आएगा और माइनस भी आएगा। तो देखिए माइनस सेवन दे के रखा है, सम इज माइनस सेवन, मतलब प्लस माइनस करने पर हमको माइनस सेवन मिलना चाहिए। बहुत सारे नंबर है हमारे पास, फोर और थ्री भी सेवन होता है, फाइव और टू भी सेवन होता है, सिक्स और वन भी सेवन होता है हमारे पास, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, पर आना क्या चाहिए सॉल्व करने पे, माइनस सेवन आना चाहिए हमारे पास, ठीक। तो देखते हैं कि माइनस सेवन कैसे आएगा हमारे पास में। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, हम रफ वर्क कर रहे हैं हम, इसके बाद में यदि आंसर नहीं आ रहा तो हम उसको चेंज भी करेंगे, ठीक। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया फाइव ले लिया, अब यहाँ पे ले लिया टू, अब ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा सिंबल आएगा जिससे कि हमारे पास में माइनस का सेवन आ जाए, प्लस भी आना चाहिए माइनस भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, इस टाइप से प्लस तो हमको यहाँ तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि सम बोला, तो यहाँ प्लस फाइव पर टू कितना हो गया सेवन, पर ये सेवन तो प्लस का हुआ है, हमको माइनस का सेवन चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या कर देंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ माइनस लिया जैसे हमने, तो अभी तो ये माइनस प्लस हो गया, मतलब ये तो माइनस का थ्री आ जाएगा अभी हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकेट लगाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्व करके देखते क्या आता है हमारे पास, तो माइनस का फाइव प्लस माइनस माइनस, माइनस का टू माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे सेवन आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास में ना, सम इज माइनस सेवन, ठीक। अब बी क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, डिफरेंस इज माइनस टेन, क्या निकालना है यहाँ पे हमको, डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, डिफरेंस निकालने के लिए दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस में ही होना चाहिए, ठीक। तो ये इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस एट माइनस टू, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और साइन आ जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का टेन आ जाएगा, है ना। और भी होता है, सेवन थ्री होता है, फाइव फाइव भी माइनस टेन हो जाएगा, माइनस फाइव माइनस फाइव, माइनस सेवन माइनस थ्री भी हो जाएगा, है ना। तो ये भी हो गया हमारे पास में, डिफरेंस इज माइनस टेन। अब क्या करना है, सम इज ज़ीरो, है ना, सम इज क्या करना है, ज़ीरो। तो वन 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 मतलब माइनस वन प्लस वन लेंगे तो भी हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू ले लेंगे तो क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस का फाइव आ जाएगा और माइनस का फाइव आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट क्या था, सम इज माइनस सेवन, माइनस फाइव प्लस माइनस टू हो गया था, फिर माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन हो गया, फिर डिफरेंस निकालना है यहाँ तो माइनस टेन निकालना, तो एट और टू टेन होता है, दोनों जगह माइनस लिया तो माइनस में आंसर आ गया। जीरो लेना था, जीरो के लिए कोई भी दो नंबर ले लो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमारे पास में जीरो आ जाएगा, ठीक। पर ये होना चाहिए कि हमको प्लस भी लेना और माइनस भी लेना है यहाँ पे, और हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते थे, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास में एक, अब इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि माइनस फाइव प्लस फाइव, तो कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ हमको प्लस भी लेना चाहिए वैसे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास में है, राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास में थ्री क्वेश्चन है ना, ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज एट, प्लस का है, ठीक। पेयर बनाना है आपको यहाँ पे टू, ठीक है, टू मतलब अलग अलग बनाना है कि एट आना चाहिए दोनों साइड हमारा, दोनों पेयर बनाने पर। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम इस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस टू फिर ब्रेकेट माइनस और फिर माइनस का क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस टू है यहाँ पर, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का एट आ जाएगा। एक और हमको यहाँ पे पेयर बनाना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, माइनस का रहेगा टू रहेगा हमारे पास, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन, ठीक। ये हो गया हमारे पास में दो पेयर, है ना। अब देखिए इनका दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास में एट आ रहा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया ये एट, तो टेन माइनस प्लस क्या होता है,
माइनस होता है, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का हमारे पास 10 है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो बिग नंबर साइन प्लस, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, ये दोनों पेयर थे हमारे पास में, और हमको क्या बोला था, पेयर बना के बताना था, और दोनों का डिफरेंस कितना आना था हमारे पास में, 8, प्लस का 8 आना था। ठीक, तो ये हो गया प्लस का 8। अब ये हम इसके बाद में देखेंगे बी नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं कि बी क्या है हमारे पास में, बी में क्या बोला है हमको, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज इज माइनस 5। क्या आना चाहिए यहाँ पे, माइनस 5 आना चाहिए हमारे पास में। ठीक, तो क्या करना है, पहले नेगेटिव इंटीजर लेना है, और फिर क्या लेना है, फिर लेना है पॉजिटिव इंटीजर, माइनस 5 आना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 और 2 आ सकता है, या फिर हमारे पास में क्या आ सकता है, और 7 और 2 भी आ सकता है, 7 और 2 भी आ सकता है। पहले क्या लेना है हमको, नेगेटिव बोला था ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 7 ले लेंगे, और फिर क्या बोला था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास में माइनस प्लस माइनस, तो क्या रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, बिग नंबर साइन लेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे ये रहेगा, माइनस का 7 हो गया, प्लस कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। कैसे आएगा माइनस का 5, यहाँ पे ये ब्रेकेट हटाएंगे तो माइनस 7 प्लस 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और बिग नंबर हमारे पास में साइन रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में थर्ड वाला, मतलब कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी। ठीक, क्या बोला इसमें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज माइनस 3। क्या आना चाहिए यहाँ पे, माइनस 3 आना चाहिए, तो माइनस 3 आना चाहिए, तो क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके पहले भी हमने माइनस 3 के जैसा क्वेश्चन एक हमने किया वाला है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारे पास, तो क्या रहेगा ये, इस टाइप से हम यहाँ पे इसको पहले देखते हैं कि कैसे करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले क्या बोला था हमको, नेगेटिव इंटीजर लेना है, तो नेगेटिव पहले ले लिया हमने, फिर यहाँ पे क्या लेना है हमको, पॉजिटिव लेना है। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे ले लेंगे नेगेटिव। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस ब्रेकेट में माइनस का क्या आ गया, 2। इसको देखते हैं, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस का माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास में 3 आ जाएगा। ठीक, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 3 हो जाएगा। हमको बोला भी यही था यहाँ पे कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज माइनस का 3, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, माइनस 3। तो हमारे पास में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए बी सी तीनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास में, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, एक क्विज मतलब एक प्रतियोगिता जो होती है इस टाइप से हमारे पास में, तो स्कोर दिया है टीम ए का क्या रहेगा, माइनस 40 10 0, एंड टीम बी स्कोर, टीम बी का भी स्कोर देकर रखा है 10 0 माइनस 40, इन अ 3 सक्सेसिव राउंड्स, क्या बोला है, सक्सेसिव राउंड में 3 राउंड का यहाँ पे देके रखा है। ठीक, विच टीम स्कोर्ड मोर, मतलब कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्कोर कर रही है ये बताना है, विच टीम स्कोर मोर, कैन वी से दैट वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम मतलब बता सकते हैं कि और कुछ ऐसा ऑर्डर लगा है, मतलब इसको प्लस माइनस जो करते हैं ना हम, कि प्लस करें माइनस करें, जैसे कि भाई हमको माइनस का 3 लिखना है, तो हम इसको किस किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 2 भी, 1 और 2 भी होता है हमारे पास में, माइनस 3, 5 और 2 भी होता है माइनस 3, तो कैन वी से दैट वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, ये भी हमको यहाँ पे बताना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि विच टीम स्कोर मोर, मतलब कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि टीम ए का स्कोर देखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीम ए स्कोर कितना है हमारे पास में, टीम ए का स्कोर माइनस 40 10 0, ये क्या हमारे पास में टीम ए का स्कोर। अब इसको टोटल भी करना है हमको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, टोटल टीम ए स्कोर, तो देखिए माइनस 40 हो गया, प्लस का 10 प्लस का 0 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 40 में से 10 का तो माइनस का 30 आएगा, क्योंकि बिग नंबर साइन यहाँ पे ले लेंगे, प्लस का 0 कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया हमारे पास, माइनस का 30। अब क्या करेंगे, टीम बी का निकालेंगे सेम ऐसा ही, तो क्या आ जाएगा, टीम बी
स्कोर कितना आ जाएगा टीम बी का देख लेते। 10-0-40 क्या है, 10-0-40। इनको भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐड तो करना ही रहेगा हमको। ये हो गया 10+0, फिर क्या जाएगा प्लस, ब्रेकेट में -40 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऐड भी तो करना है हमको यहाँ पे। ठीक, तो ये ऐसा हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद में क्या है, 10+0 सॉरी है ना, यहाँ पे क्या जाएगा 10 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 40 आ गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पे भी हमारे पास में। अब हमको बताना है कि विच टीम स्कोर मोर, दोनों का स्कोर तो हमारे पास में यहाँ पे सेम है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, तो क्या आ जाएगा स्कोर्स ऑफ बोथ आर सेम, दोनों टीमों का स्कोर हमारे पास में सेम है यहाँ पे, टीम ए का भी -30 और टीम बी का भी क्या है -30। यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है, अभी ये वाला बचा है हमारे पास में। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, मतलब कि हम कोई भी ऑर्डर लगा के इसको प्लस माइनस कर सकते हैं क्या, मतलब ये कि जीरो को सामने ले सकते, 10 को सामने, 40 को सामने, आगे पीछे ऐसा हम कर सकते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यस, क्या आ जाएगा यस, क्या आ जाएगा यस के बाद में आएगा हमारे पास में वी कैन से दैट, क्या आ जाएगा यस वी कैन से दैट, यहाँ पे आ जाएगा यस वी कैन से दैट, है ना, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, सॉरी है ना, ये नहीं रहेगा हमारे पास में, यहाँ ये लिखना रहेगा हमको कि ये रहेगा यस, यस हो गया हमारे पास में यहाँ पे, वी कैन एड है ना, क्या आ जाएगा वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या आ जाएगा यस वी कैन एड, यस वी कैन एड इंटीजर इज एनी ऑर्डर, है ना, क्या आ जाएगा यस वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो ये हो गया हमारे पास में, टीम ए का स्कोर भी हो गया था, टीम बी का स्कोर हुआ, सबको प्लस किया हमारे पास में, सेम आया स्कोर्स ऑफ बोथ आर सेम। फिर क्या बोला था हम इसको किसी भी ऑर्डर में प्लस माइनस कर सकते, तो क्या आ जाएगा यस वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मतलब पढ़ी थी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो हम किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो था हमारे पास में इसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो हमारे पास में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे पास में यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास में यहाँ क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दे के रखे है। तो फर्स्ट क्या है, -5 ± -8 = -8 प्लस, अब यहाँ बताना, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे -5 ± -8 था, अब यहाँ क्या हुआ, माइनस का 8 हमारा क्या हो गया सामने आ गया, तो -5 कहाँ चला जाएगा हमारे पास में, यहाँ पीछे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 तो लिख लिया, अब यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया माइनस का 5, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि क्या होता है आगे, मतलब आगे पीछे, मतलब हम नंबर कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है 4+2 है, तो हम इसको 2+4 भी लिख सकते हैं ना, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या रहेगा, नेक्स्ट है -53+, अब यहाँ माइनस का 53 दिया है, तो ये यहाँ पे कैसे आएगा ये हमको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का 53 दिया है हमको, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ 0 आ जाएगा हमारे पास में, कि भाई यहाँ पे जो है -53 में हम क्या प्लस माइनस करें, तो हमको माइनस का 53 मिलेगा, तो क्या करेंगे 0 लेंगे, तब हमको सेम मतलब वही नंबर मिलेगा। तो ये क्या होती है हमारी, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें कि हमको 0 लेना पड़ता है। ठीक, तो क्या है, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए 17+, अब यहाँ पे 17 में हमको ऐसा क्या करना है कि जिसे 0 आंसर आ जाए, तो 17 में से 17 माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए माइनस का हमको 17 लेना पड़ेगा यहाँ पे, तब तो प्लस माइनस होगा हमारे पास, तो 17 - 17 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास में फोर्थ है 13+(-12+), फिर यहाँ पे ब्लैंक है, और फिर इक्वल टू 13+(-12+-7। अब देखिए यहाँ पे 13 भी है -12 भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में,
माइनस का 7 आ जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ था, 13 12 था और इसको यहाँ पे 7 ले लिया था हमने, तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या बच गया था, माइनस का 7 बच गया था। तो ये क्या हुई, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारे पास में क्या है यहाँ पे, माइनस 4 ब्रेकेट में प्लस 15 प्लस ब्रेकेट में माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 15। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्या रहेगा, माइनस का 3। तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, जिसमें क्या होता है कि ब्रेकेट हटा के इसके साथ में ये वाला नंबर इधर साइड आ जाता है और फिर ये इसको जो लास्ट वाला नंबर रहता है उसको हम एक साइड अलग से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे भी था, इन दोनों को ब्रेकेट में ले लिया था, फिर ये वाला नंबर हमने हटा दिया था। तो देखिए ये यहाँ पे भी है ना, 13 को अलग कर दिया था और ये दोनों हमारे साथ में आ गए थे। ठीक, तो ये होती हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये दोनों क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है ये। फर्स्ट क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टीज, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।